लास्ट ईयर मुझे याद है, इसी प्रकार 3 दिन ही प्रवचन था, राम अवतार रहस्य। वो 3 दिन का टॉपिक तो वीडियो में से मिल रहा था। इस बार हम लोग रख रहे हैं रामलीला। आज हम भगवान श्री राम के अवतार क्यों, हालांकि पिछले साल हमने दिया था इसको एक अलग-अलग भाग करके, पार्ट वाइज भगवान के अवतार क्यों है विचार करेंगे उस समय, फिर उसके बाद भगवान राम के अवतार के कारण लीला। तो आज समापन होने के बाद लीला, फिर कल टोटल लीला भगवान के, और परसों, इस प्रकार 3 दिन। और भगवान श्री राम के जो जन्म है वो हम लोगों ने रखा है 17 तारीख के, भगवान का जन्म कैसे होता है। अब है जो अवतार शब्द है, तो परमात्मा के अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ेगा, या परमात्मा के अवतार होता क्या है, परमात्मा अवतार क्यों आवश्यक है। कोई कोई तो लगे थे नहीं, परमात्मा अवतार ले नहीं सकता है, अवतार मैंने छोटा हो गया, तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, बड़ा है, वो क्यों छोटा ले हो जाएगा। जब वो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार क्यों बनेगा, आवश्यक है नहीं। तो कुछ लोग इस ढंग से देखते हैं, जैसे ईसाई है, मुसलमान है, आर्य समाज के हैं, ये अवतार भगवान लेते नहीं। और ये जो जगत को बनाया है वो ईश्वर है, सब मानते हैं ईश्वर, और वो ईश्वर बनाया है उसको बोलते हैं निमित्तकार। जैसे घड़ा है, पॉट, वो जो पॉट है उसको बनाया किसी ने, कुम्हार। और जो उपादान कारण है वो मिट्टी, वो अलग है, कुम्हार से मिट्टी अलग है। तो ईसाई हो, मुसलमान हो, अलग दर्शन, वेदांत को छोड़ करके सब कहते हैं ये जो जगत बन है ना, जगत से ईश्वर अलग है, वो केवल बनाने वाला निमित्त का। मगर वेदांत दर्शन है उसमें द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, वो कहते नहीं है, परमात्मा ये जगत के रूप में भी आ गया तभी सर्वशक्तिमान सर्वगत ये होगा। अगर जगत से परमात्मा अलग होगा, ये जगत कुछ कम नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, भगवान ने तो बना तो दिया, और भगवान और ये जगत अलग अलग होगा तो परमात्मा में कमी आएगी, क्या वो सर्वगत नहीं होगा, क्यों उन्होंने जगत को बनाया मगर जगत के अंदर है नहीं, वो कमी आ जाती। तो वेदांत ही कहता नहीं भाई, जगत भी परमात्मा है, परमात्मा ही जगत के रूप में बन करके आया है, इसलिए उपादान कारण भी परमात्मा, निमित्त कारण भी परमात्मा, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वो जो शब्द होता है वो ईश्वर बन जाता है, वही ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत पड़ता है, ब्रह्म को नहीं। माने ब्रह्मा एक पोशाक पहनता है, एक ड्रेस पहनता है, वो माया रूप ड्रेस, तब वो ईश्वर बनता है। वो ईश्वर ही जगत को बनाया है, ब्रह्मा ने जगत को नहीं बनाया, ब्रह्मा और जगत एक ही है। जब इस जगत को बनाया
ईश्वर ने, तो वो जब देखता है कि मैंने बना दिया, सृष्टि कर लिया ब्रह्मा के रूप में, स्थिति कर लिया विष्णु के रूप में, संहार भी कर लेते हैं भगवान शंकर के रूप में, तो अब प्रश्न है तो वो आते क्यों, आवश्यक क्यों, आने की आवश्यकता क्यों पड़ती। अभी जो पहला प्रश्न है कि जब भगवान अवतार लेके आएंगे तो कमी हो जाएगी, वो तो छोटा बन जाएंगे, तो वो क्योंकि हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं इसीलिए वो लगता है कि कमी हो जाएगी। परमात्मा जब राम बन करके आते हैं, कृष्ण बन कर आते हैं, तो परमात्मा का स्वरूप जैसे तैसा रहता है। अब लॉजिक भी ये है, हमारा शरीर बनाए हम आए कि नहीं इस जगत में, हमको जीवात्मा कहते हैं, तो जीवात्मा शरीर धारण करता है कि नहीं? हाँ यार, आपको ना, अगर ना कहोगे थोड़ा समझने के लिए ना बोल कि नहीं जीवात्मा शरीर धारण नहीं करता है, तो फिर आप जो बैठे हो आप कौन है, भूतात्मा प्रेतात्मा? तो मुश्किल है, आप ही हो जीवात्मा हो जो शरीर धारण किया हो, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शरीर धारण नहीं किया, शरीर है हमारे पास, शरीर के अंदर हम रहते हैं। जब जीवात्मा शरीर धारण कर सकता है, परमात्मा शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, जीवात्मा शरीर धारण करता है हालांकि स्वतंत्र नहीं है, वो अपने वासना के कारण करते हैं, आउट ऑफ पैशन, और परमात्मा भी शरीर धारण करते हैं आउट ऑफ कंपैशन, ये पैशन है वो कंपैशन, समझ में? हम जो शरीर धारण करते हैं वासना के कारण, और परमात्मा जो शरीर धारण करते हैं लीला के कारण, करुणा। प्रसिद्ध मंत्र है वेद में, भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मणः रूपकल्पना, भक्तों की हित के लिए परमात्मा शरीर धारण करते हैं, सिर्फ भक्तों के हित के। तो ये जो धारणा है कि परमात्मा जब शरीर धारण करते हैं उनके कुछ ह्रास हो जाएगा, उनके कुछ कमी हो जाएगी, वो कमी कुछ नहीं होने वाली, वो जैसे तैसे हो रहे, और भगवान अपनी तरफ से आएंगे अपनी तरफ से जाएंगे। अच्छा, अवतार का शब्द ही है, अव माने नीचे, तार माने पार करना, तारयति, तो नीचे आकर के हम लोगों को पार कराते हैं इसीलिए अवतार। नहीं, राम तो आए थे अयोध्या, माने अयोध्या में और त्रेता युग में, अभी कैसे पार करते हैं? उनकी लीला, उनकी कथा, उनके नाम, उनकी मूर्ति, देखो स्वरूप, देव अयोध्या के मूर्ति के कम अलूडन कर दिया, क्या कम चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया वर्ल्ड को, सिर्फ एक मूर्ति, उनके नाम, उनके नाम से माने भगवान राम एक अहल्या को पार किया था, तार किया था, उद्धार किया था, उनके नाम से अनेक अहल्या उद्धार होते हैं। लीला, उनके धाम जो अयोध्या है, उनके गुण, उनके चरित्र शील देखेंगे बाल लीला के समय में, उनके शील, उनके सौंदर्य, उनके संयम, उनके भक्तभाव, सब कुछ है, तो ये पार करता है। उनके कथा सुनते ही मनुष्य तार होता है, क्योंकि बाकी कथा में मनुष्य बंध जाता है, मगर राम कथा में, भगवान की कथा में मनुष्य मुक्त हो जाता है। खुद भगवान कहते हैं दिव्य कर्म च मे जन्म, जन्म कर्म च मे दिव्य, किसी का भी जन्म और कर्म दिव्य नहीं है, खुद ही भगवान इसी गीता में कहते हैं लोकोयम कर्म बंधन, आप समझ रहे हो, कर्म बंधन है,
जब कर्म बंधन है तो आपका भी कर्म तो बंधन है ना, मेरा कर्म देवी है, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करता है वो वासना से करता है, अहंकार से करता है। मैं जब कर्म करता हूँ लीला से और दूसरों को भलाई से, उपकार से, करुणा से। इसीलिए परमात्मा जब मनुष्य बन करके आते हैं तो उनकी कोई ह्रास नहीं होता है, वो जैसे तैसे है। अवतार, पर अवतार कितने हैं? तो ऐसे तो पुराणों वर्णन दो प्रकार, एक नित्य अवतार है और एक है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार किसी निमित्त से आते, नरसिंह भगवान हो, बामन भगवान हो, किसी निमित्त से आते उसको कहते हैं नैमित्तिक अवतार। और जो नित्य अवतार होते हैं ना, वो गुरु है, वो संत है, वो नित्य अवतार, वो कहीं ना कहीं आते हैं, इस ज्ञान की रक्षा करते हैं, ज्ञान देते हैं, अज्ञान को नष्ट करते हैं, समाज को धर्म धर्म की रक्षा करते हैं। तो वो हो गया नित्य अवतार। एक अवतार अर्चा अवतार। अर्चा अवतार ना, जब मंदिर में जो पूजा करते अर्चा, अब हमारे भगवान राम के, भगवान राम के मंदिर में है, अयोध्या में एग्जाम्पल ले लो, किसी भी सारा वर्ल्ड में जितने भी मंदिर है ना, कोई भी भगवान जो मूर्ति पूजा होती है उसका, वो भी एक अवतार है, उसको बोलते हैं अर्चा अवतार। फिर प्रारब्ध अवतार जो प्रकट होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी नृसिंह भगवान है, राम अवतार है, सब उसमें से भी अलग अलग है। जो ज्ञान अवतार है, वो ज्ञान अवतार कौन है ना, मत्स्य अवतार। उन्होंने ज्ञान दिया, बस अपना शरीर माने छोड़ दिया, इतने कपिल भगवान ज्ञान अवतार। वैराग्य अवतार कौन है ना, सुखदेव जी, सनत कुमार। सुखदेव जी को समाधि अवतार भी कहा जाता है, वो हमेशा ही समाधि में रहते, केवल परीक्षित को ज्ञान देने के लिए आए थे। नारद प्रेम अवतार है, भगवान का ही अवतार है, ब्रह्मा का ही पुत्र है। दत्तात्रेय अवधूत अवतार, सनत कुमार आदि ब्रह्मचर्य अवतार है, वैराग्य अवतार है। तो इस प्रकार के नृसिंह भगवान परशुराम है आवेश अवतार। आवेश माने थोड़े समय के लिए आवेश होता है। अब प्रश्न है अवतार कब होता है, क्यों होता है? ऐसे गीता में तो भगवान कहते हैं अवतार कब होता है, क्यों होता है, मगर अब हम डायरेक्ट राम जी के प्रश्न में जाएंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा राम जी के। पांच कारण है। एक तो अवतार के जो हेतु माना गया है उसमें श्लोक को अगर लेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म के ग्लानि होती, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, फिर अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सृजाम्यम। तो धर्म का ग्लानि हो गई और अधर्म बढ़ गया, तब भगवान आते हैं। फिर करते क्या है, कब आते हैं, अब आकर के कर क्या रहे हैं? आते हैं दो कारण है, धर्म कम हो गया, अधर्म बढ़ गया। आकर के करते क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। संभवामी तो भगवान करते क्या, ये करते परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो अवतार के जो हेतु है वो कहानी के रूप में भगवान श्री राम के पांच कहानियां हैं।
हालांकि कहते हैं कल्प के कारण, अलग अलग कल्प के कारण है, ठीक है। एक है, एक कल्प में नारद जी ने अवसर दे दिया, भगवान को भी दिया और वो गण को दिया। मैं अभी हाइलाइट्स बताता हूँ, फिर समय देख के कहानी बताएंगे। फिर दूसरे जो कहानी है जय विजय की कहानी है। जय विजय का जो अहंकार है, उनके जो गर्व है, उसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ता है। दो हो गया। तीसरा है मनु और शत्रुपा तपस्या, क्या और तपस्या क्या, मनु शत्रुपा भगवान को पुत्र के रूप में। चौथा है जालंधर चरित्र है, जो वृंदावती है उनके, उन्होंने अभिशाप दिया था भगवान, या आज मैं पति के विरह में दुखी हो रहा हूं, आप भी पत्नी के विरह में दुखी हो। तीसरा है प्रताप भानु, प्रताप भानु जो बना रावण, उसके लिए भगवान राम बन करके आते हैं। ये हो गया भगवान के अलग अलग अवतार के हेतु के कारण। अब यह भगवान के जो प्रक्रिया है, अवतार के भगवान किस दृश्य से आते हैं, फिर मैंने बता दिया था भगवान के जो जन्म है वो कर्म है वो दिव्य है, भगवान के जो लीला, इसलिए इस बार हमने लीला के दृष्टि से भगवान के चरित्र, लीला धाम के दृष्टि से विचार करते हैं। अब एक एक करके कहानी थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दोनों तपस्या करते हैं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के। इस प्रसंग में देखो भगवान का अवतार हो, भगवान बोलेंगे। कहानी ऐसी है मनु और शत्रुपा घोर तपस्या करते हैं, रामचरितमानस में वर्णन है। इवन ब्रह्मा भी आते हैं, विष्णु भी आते हैं, शिवजी भी आते हैं, आकाशवाणी होती है तो भी अपने जो तपस्या है वो छोड़ते नहीं। बाद में ब्रह्म वाणी होती है, माने परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा आते हैं, प्रकट होते हैं, उनसे बातें करते हैं। देखा जाए तो वो विष्णु रूप में ही आते हैं। तो जो बोलते हैं कि तुम्हारा जो तपस्या है हम बड़े खुश हो गए, वर मांगो। तो मनु मानते हैं प्रभु आपके जैसे बेटा हमें चाहिए। अब भगवान कहते हैं मेरे जैसे बेटा कहां से आएगा, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। इसलिए एक काम करता हूं, जब भी कोई कुछ मांगता है ना, जब भी कोई कुछ मांगता है वो अगर नहीं दे पाता है तो उसी के अनुसार तीन गुना देता है, तीन गुना चीज देता है। इसलिए मैं तीन बार आपके मां माने पुत्र बनकर क्या होगा, तीन बार। अच्छा, तो वही कश्यप और अदिति बनकर के वामन भगवान बनकर के आते हैं। वही कश्यप और अदिति बनते हैं और भगवान वामन अवतार बनते हैं। फिर वो बाद में, क्योंकि तीन बार कहा है और स्पेशली अवतार में जहां पर प्यार दे सकते हैं। अभी क्या हुआ वामन अवतार में, क्या भगवान जन्म हो गए और तुरंत चल पड़े? अब मां ने दूध पिलाया ना, पास में रहे कुछ भी नहीं, तो उनको संतुष्ट तो नहीं है।
भगवान ने कहा मैं 3 बार आऊंगा ना, जो सेकंड बार है वो आनंद। तो वो दशरथ और कौशल्या बने, वही बनो शत्रुपा। इस बार राम भगवान हो रहा है जिसमें उनको सब कुछ मिला। अभी उस समय जब बातें हो रही थी क्या, मेरे पुत्र बन करके आई है, तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आपका पुत्र बन गया। मनु ने कहा प्रभु अभी हम तो जानते हैं, आप देखते हैं आप भगवान हैं परमात्मा हैं और आप पुत्र बन करके आ जाएंगे, तो मैं आपको प्यार नहीं कर सकता, गोद में नहीं बैठा सकता हूँ, कुछ गलत करके थप्पड़ मार नहीं मार सकता हूँ, इसीलिए मुझे इतने प्यार दीजिए कि मैं भूल जाऊं कि आप भगवान है, और आपके प्यार से आपके विरह में मैं मर भी जाऊं। भगवान ने कर दिया तथास्तु। भगवान ने शत्रुपा का पूछा, शत्रुपा माने मनु की पत्नी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे बिना मांगे तो मिल गया क्या? जब आप उनके पुत्र बनेंगे तो आपको एक माँ भी तो चाहिए, तो आपने हाँ कह दिया कि उनके पुत्र बनेंगे, तो बिना माँ से तो बन नहीं सकता, मैं ही माँ हूँ, जरा बिना मांगे ही मुझे मिल गया है, आप पुत्र बन। मगर राजा ने जो बताया, नरेंद्र ने जो बताया, जो मनु ने बताया, वो मुझे मिल चाहिए। क्या बताया उन्होंने? कि ऐसे प्यार करूं कि मैं आपके विरह में शरीर त्याग करूं, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान बीच बीच में दे दीजिए, मैं प्यार तो करूं मगर जब मैं दुख में हूं अज्ञान में हूं, वो ज्ञान का प्रभाव मेरे ऊपर आएगा कि आप भगवान है। देखना, इसलिए वनवास जब होते हैं कौशल्या इतने विचलित नहीं होते, दुखी होती है माँ के रूप में, और जानती है तो तुम तो भगवान हो, तुम तो करुणा के लिए आए हो। क्यों? उन्होंने मांगा था, जिन्होंने जो मांगा वही मिलेगा ना। तो मनु शत्रुपा के ये कथा, तो मनु शत्रुपा के कारण भगवान होते हैं। सोचो तो इस कथा से क्या सीखने को मिलता है कि जो सारा जगत के परमात्मा है वो भी भक्त के अधीन से आ सकते, अगर ऐसे कोई तपस्या करके बुलाए, ऐसे कोई तपस्या करके बुलाए तो जरूर भगवान आ सकते। यशोदा की पूर्व जन्म में भी कथा है, मैं भागवत में नहीं जा रहा हूं अभी, कि ऐसे है कि उनके कपाल में नहीं लिखा है मगर भगवान के प्रति इतनी भक्ति है तो भगवान आएंगे और उनके दूध को भगवान पिएंगे, तभी श्री कृष्ण भगवान आते हैं। तो अभी जो 3 जन्म हुआ ना, एक हो गया वामन अवतार, एक हो गया राम अवतार, और कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में वही वसुदेव और देवकी बने, जो मनु और शत्रुपा वो वसुदेव देवकी बने, तो 3 बार। तो इस मनु शत्रुपा की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हालांकि सर्वगत है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी है मगर पुत्र के रूप में आ सकते हैं। सिर्फ पुत्र, उसके पहले आप देखो ना, अभी तो पुत्र के बन करके मैं भी कथा करने के लिए जा रहा था, जगन्नाथ कथा। तो एक छोटी सी लड़की पहला दिन मुझे माला दिया और बाद में पूछा, स्वामी जी राम का पिताजी है, हाँ कृष्ण के भी पिताजी है, हाँ जगन्नाथ का पिताजी कौन है? मैंने कहा ठीक है, तुम रोज सुन लेना और मैं तुमको बता दूंगा। उसके पहले मैं बोल नहीं पाया, उस समय नहीं था, प्रवचन में बताया। अच्छा जगन्नाथ के पिताजी तो बाद में बताएंगे, मत्स्य अवतार का पिताजी कौन है, कूर्म अवतार का पिताजी कौन है, बराह अवतार का पिताजी कौन है, नृसिंह अवतार का पिताजी कौन है ना, परशुराम अवतार का, हाँ तब से, बामन अवतार का अभी बता देते हैं, हाँ राम का तो है ही, कृष्ण का तो है ही, भगवान बुद्ध देव का भी है, और जो आने वाले हैं कल्कि भगवान उनका भी पिताजी है, दक्षिण भारत में संबल ग्राम में यशोधर शर्मा करके उनके घर में भगवान कल्कि अवतार होंगे। ये वर्णन है बरहम भविष्य पुराण में, भागवत में भी आप देखना
12 स्कंद में महात्म्य में और भी अनेक महाभारत में वर्णन है कल्कि भगवान के। फिर उसके बाद कल्कि पर बात फिर आ जाएगा, सत्य ऐसे चलेगा। तो देखो मत्स्य अवतार में ये बताना चाहते हैं कि भगवान मछली भी बन सकते हैं, इसका अर्थ है भगवान सब कुछ सर्वगत सब जगह पर है, इसीलिए वो बन जाते हैं। जहां नहीं होगा नहीं बन सकते, होने के लिए वो पहले से होना चाहिए। अब लकड़ी जल रही है इसका अर्थ पहले से आग है, सामान्य रूप में है। परमात्मा शरीर बनकर क्या आ जाते हैं, क्योंकि पहले से परमात्मा सब जगह पर है, रामचरितमानस में बोलते हैं इसको, थोड़ा बुझाओ। रामचरितमानस में भगवान खुद ही बोलते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ये जो दारू है जो लकड़ी है, इस लकड़ी में जैसे आग सामान्य रूप में है उसको ही जलाने से जलता है। एक दारुगत देखिए एको पावक समझो ब्रह्म विवेको उभय सुगम नाम ते कह नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक ब्रह्म विनाशी सत चेतन घनाशी सकल जीव प्रभु दो अलग अलग प्रसंग है कि एक दारुगत देखिए एको, एग्जाम्पल देते हैं तुलसीदास जी, परमात्मा सब जगह पर है इसीलिए वो प्रकट हो पाते हैं और कहीं पर भी प्रकट होते हैं। मछली के रूप में प्रकट हो जाते हैं क्योंकि मछली में है, खंभे में प्रकट हो जाते हैं क्योंकि खंभे में पहले से, भागवत में भी क्लियरली कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, वो जो खंभे में परमात्मा है उसी से ही प्रकट हो गए। एक दारुगत देखी और ये को पावक समजुग ब्रह्म विवेको, पावक माने अग्नि, तो उस लकड़ी में अग्नि है सामान्य रूप में, जब हम विशेष रूप में जला देते अग्नि संयम कर देते हैं वो जल जाता है, ऐसे ही परमात्मा है सब जगह पर। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहे वो नाम बड़े ब्रह्म राम ते, इसमें राम नाम की महिमा बता रहे हैं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, वो जो ब्रह्म है वो अविनाशी है व्यापक है, सत चेतन घन आनंद राशि, वो सत है वो चेतन है आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, हालांकि वो परमात्मा अक्षय है अविकारी है, सकल जीव जगत दीन दुखारी, मगर सकल जीव के लिए करुणा करने के लिए, क्योंकि वो दीन दुखारी है करुणा करने के लिए आते हैं। भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, अब ये अवतार के रहस्य में भी कथा में भी है, उस समय हम लोग देखेंगे जितना जरूरत है समय का देख करके, अभी यही बता रहे हैं। जब पृथ्वी माँ रावण आदि के प्रसार माने अत्याचार से बहुत दुखी हो गई, वो गाय बन करके पहले देवताओं के पास गई, ताकि देखो आप और हमारा पृथ्वी में आप लोगों के कारण मेरे रह पा रहे हैं,
मगर ये राक्षस लोग इतना कर रहे हैं कि आप लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ करो। तो क्या करना है? ना ये राक्षसों को दूर करना, हम तो उसके बस में आ गए, वो हमको भी नौकर बना दिया। इंद्र पद पर मेरे स्वर्ग में बहुत बार वो आक्रमण कर दिया, मैं हाथ टेक उठा लिया, हार गया। और वो तो हर जगह नहीं रह सकता, कभी वहां रह रहा है, स्वर्ग भी उसके अंडर है। तो कुछ तो करो, चलो ब्रह्मा के पास जाते, जो सबको बनाया, ब्रह्मा ने भी उसको ही वर दिया है। ना तो जे कोई नर मारेगा ना बानर मारेगा, ऐसे उन्हीं के पास चलते। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे पास अभी बस कुछ नहीं, फिर चलो शिव जी के पास जाते हैं। देखो, ते ही समाज गिरिजा में रहूं, समझना, गिरिजा शिव जी कह रहे हैं पार्वती को कथा, गिरिजा सुनो सुनो। उसी समय ये लोग सब आए मेरे पास, ये लोग जब सब आए मेरे पास, ताकि ये पृथ्वी की तकलीफ है, अवसर पाई बचन एक कहो, क्या करना चाहिए? अब आपको संभालिए ना, भगवान विष्णु के पास चलते हैं ना। विष्णु पूछने लगे, विष्णु कहाँ रहते हैं? कोई बोला कि क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहा कि ब्रह्मलोक में रहते हैं, कोई कहा कि विष्णु लोक में रहते हैं। तो भगवान कैलाश पर्वत में ही इतने समाज के साथ रह करके कहते हैं जाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, हरि व्याप्त तो सर्वत्र समाना, इसको याद रखना, जो हमने शुरू किया, परमात्मा सर्वव्यापी है, व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में समान रूप में है। अमेरिका में भी है, भारत में भी है, सब में है। निग्रो में भी है, भारतीय में भी है, जड़ में भी है, जगत में भी है, पशु में भी है, सब में समान है, सर्वत्र समान है। फिर प्रकट कब होगे? प्रेम ते प्रकट होई में जाना, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है शिव जी का। मैं जानता हूं भगवान प्रेम से ही प्रकट हो सके, इसलिए चलो हम लोग प्रेम करें और बुलाएं उनको, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्यों सर्वत्र समान है। यहां भी है, विष्णु लोक में भी है, क्षीर सागर में भी है, वहां तो शरीर धारण करके रहते हैं, बाकी स्वभाव सब में सर्वत्र समान है। और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, हम प्रेम से बोला, देश काल दिशी विधि से हो माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। कहते कौन से देश में कौन से काल में प्रभु नहीं है, सब जगह पर प्रभु है। अगर जगह मयस तब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमी आगी। यहाँ पर भी देखा, आग, आग के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं। कौन? शिव जी। परमात्मा वैरागी, परमात्मा पद्म पत्र में बाम बसा है, परमात्मा किसी से संबंधित नहीं है, रिलेशनलेस रिलेशनशिप, संबंध रहित है। और हम जब प्रेम करते हैं, ये मनोज शतरूपक के कहानी से यही सिद्ध, इसलिए मैंने बताया, प्रेम के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। अभी भी अब देखते हो, प्रेम के कारण भगवान किसी के घर में प्रकट हो जाते हैं, किसी को स्वप्न में आदेश देते हैं। प्रेम भक्ति के कारण ही भगवान मुक्ति भी कर देते हैं, भक्ति के कारण विपत्ति से दूर कर देते हैं। सब भगवान के साथ प्रेम से संबंधित। प्रेम ते प्रगट ही जिमी आगी, मोर वचन सबके मन माना। गिरिजा, मेरे बातों को सबको अच्छा लगा, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। फिर साधु साधु बहुत अच्छा कह के बातें करने लगे, फिर तो भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों बुलाया? फिर बताया उन्होंने कैसे ऐसे, कहता ठीक है, मैं मनु और शत्रुपक्ष वचन दे दिया। देखो सब कहानी कैसे जुड़ती है,
मनोर सदरूप को वचन दे दिया हूं, और अयोध्या के वो दशरथ के रूप में आ रहे हैं, अशत्रुप कौशल्य के रूप में आ रहे हैं, मैं उनके घर में राम बनकर के आता, और मेरे जो अंश अवतार है अनंत भगवान है वो लक्ष्मण बनकर आए, और जो मेरे जो विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा पद्म है उसमें से दो शंख और चक्र से आएंगे भरत और शत्रु, ये भी मेरे चक्र व्यू है, व्यू बोलते, तो तुम लोग भी आओ, क्योंकि ब्रह्मा ने अभी वरदान दे दिया रावण को मरने के लिए, ना नर मार सकता है, यानी कोई नर ही और बानर ही मार सकता है, उसने ऐसे मार नर बानर को उसने वो तो बेखतिर किया, माने अंडर एस्टिमेट इंग्लिश में, इसलिए अगर मैं मरूंगा ठीक है कोई नर और बानर, तो मैं नर बन रहा हूं और आप लोगों को बानर बनना है, तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है मैं जाम्बवान बन के आता हूँ, शिव जी ने कहा कि ठीक है मैं शक्ति देता हूँ, वायु ने कहा मैं ग्रहण कर लेता हूँ दे देता हूँ, तो हनुमान जी बन गए, अश्विनी कुमार नल नील बनते, ऐसे सब अपने अपने बनते, और द्वापर युग में यही देवता लोग ही बन जाते हैं, ग्वाल वाल गोपाल सब देवता लोग हैं, किसी को याद है किसी को याद नहीं, जो अभिशाप मिला हो वो याद नहीं है, जिसको कृपा प्राप्त है वो याद है कि मैं कौन हूं, यहां सबको याद है, जाम्बवान को याद है, हनुमान जी को याद है, इधर हनुमान जी जब खुश होते हैं जब भगवान तीर्थ करते हैं शिव जी को अच्छा लग जाता है, जब भगवान राम प्यार करते हैं हनुमान जी जब आते हैं सुंदरकांड से माने लंका से और त्राहि त्राहि करके गिर जाते हैं और हनुमान जी को उठा लेते हैं गले में आलिंगन कर लेते हैं, तो ये तो बातें शिव जी बोल रहे हैं ना, उससे समय अटक जाते हैं, शिव बंद बातें बंद आंखें बंद, ऐसे आंखें बंद करके ही बोलते थे शिव जी आंखें बंद, क्योंकि उनको पता है कि गिरिजा ही है अकेले हैं, और हम लोग आंख क्यों खोल कर रखते हैं कोई चला ना जाए इसलिए, और कितने लोग आए अधिक हुए कि नहीं, इसलिए हम खुल करके बोलना पड़ता है, शिव जी को आनंद उनको पता है एक ही वक्त है इस होता है, इसलिए हमेशा आनंद बंद करते, बोलना बंद क्यों किया, क्यों अनुभव करते हैं मैं ही हनुमान जी के रूप में, क्यों ऐसे लिया, क्योंकि शिव जी को ना भगवान राम भगवान मानते हैं, इसलिए जब शिवलिंग हुआ कहा 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 रामेश्वर कोई गए हो आतोटा कौन कौन गए, तो जब बना तब भगवान ने शिव जी का नाम दिया रामेश्वर, रामस्य ईश्वर, इसका अर्थ क्या है राम का ईश्वर, तुरंत शिव जी प्रकट हो गए प्रभु रामेश्वर शब्द अच्छा है हाँ, और वो राम का ईश्वर नहीं, फिर राम यस्य ईश्वर अर्थात राम जिसका ईश्वर है वो मेरा नाम ईश्वर है रामेश्वर है, मगर उसमें आप ईश्वर है, बोले नहीं, तो दोनों के बातें होने लगे, रामस के लिए हनुमान जी बीच में आए, हनुमान जी तो संस्कृत वाले हैं सब जानते हैं, बोले मैं बोल दू ना ना राम का ईश्वर हो तो राम कहते हैं, राम है यस्य ईश्वर शिव जी कहते हैं, दोनों मानते नहीं है, इसलिए मैं एक समाधान कर देता हूं, क्या राम च ईश्वरश्च एव, राम और ईश्वर एक ही है इसलिए रामेश्वर, मध्य पद कर्मधारय संस्कृत का व्याकरण राम एव ईश्वर ऐसे भगवान, तो जब हनुमान जी को भगवान लेते हैं शिव जी को अच्छा लगता है, क्यों शिव जी जानते हैं भगवान राम मुझे मौका नहीं देंगे प्रणाम करने के लिए किसी भी लीला में, इसलिए मैं ऐसे एक लीला करूं ऐसे एक बानर बन करके आऊं जो उनको प्रणाम कर सकूं,
और जब वो हनुमान प्रणाम करते हैं तो शिव जी को पास जाता है करंट डायरेक्ट, इसलिए खुश हो जाते हैं। ये बात है, कितना सुंदर बात है। अब हम एक कहानी देख लिया, ऐसे तो पांचों कहानी आज देख लेना पड़ेगा, मैं कहानी लंबा नहीं करूंगा और उससे क्या सीख रहे हैं देखें। सेकंड है नारद और अभिशाप, ठीक है। अब घूमते घूमते नारद जी एक बार घूमते घूमते नारद जी चले गए हिमालय की सुंदर जगह है, उनको अच्छा लगा, ध्यान करने लगे, वो काम को भी विजय कर लिया, बहुत खुश हो गए। कहानी हम सब बता रहे हैं, फिर भगवान कैसे अवतार लेंगे, खुश हो गए। जाके विष्णु को जाके बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम को विजय प्राप्त कर ले, नहीं शिव जी को पहलाया, क्योंकि वो बताने के लिए देखो आपने शिव जी को आपने काम को विजय करने के लिए काम को मारना पड़ा, कामारी काम को जला डाला, पर मैंने जलाया नहीं, आपसे बड़े है कि नहीं, आपके अंदर क्रोध आ गया, काम तो विजय कर लिया मगर क्रोध आ गया। भगवान शिव जी ने कुछ कहानी हंसने लगा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो कहानी है ना विष्णु जी को मत बताइए, क्योंकि ये बताएंगे तो आपके अंदर जो अहंकार है गर्व है वो दूर करेंगे, आपको दंड भी देंगे, मगर वो बताया नहीं, कौन बताया। नारद जी लगा अच्छा मैंने बताऊ जरूर बताऊंगा, जाकर के बता दिया। भगवान हंसने लगे, सोचा कि मेरा भक्त है जो भी है, नारद मेरा भक्त है, मेरा नाम ही प्रचार करना, उसके अंदर अहंकार आ गया, तो इसको दूर करना पड़ेगा और ये मेरा भक्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, आप काम को विजय प्राप्त किया। अब नारद जी प्रणाम करके निकले, भगवान ने माया करके एक सुंदर विश्व विश्व सुंदर करके एक राजधानी बना, उसमें एक राजा थे विश्व मोहिनी करके उनके बेटी थे। अब इनको मन भी आ रहा कि मैं इधर आऊं, आकर के देखा हाथ देखा, उनको लगा जो हाथ देखा उसमें वर्णन है भगवान विष्णु इनके पति हुए। अब ये क्या देख रहे हैं, इनको जो शादी करेंगे वो विष्णु जैसा बन जाएगा, उनके मन में आया कि मैं भी शादी करूं, स्वयंवर होगा। नारद सोचा कि ऐसे रूप में भगवान ने भगवान के पास आकर के कहा प्रभु मुझे एक दिन के लिए एक जैसे कोई कपड़े लाने के लिए भाड़ा मांगते हैं ना जाते हैं, तो एक दिन के लिए आप मुझे हरि रूप माने आपका रूप दोगे। भगवान तो सब जानते हैं मेरे जो लीला है मेरा जो ड्रामा है ठीक चल रहा है। हरि का दो अर्थ है, एक हरि होता है क्या है विष्णु, और एक हरि का अर्थ क्या है बंदर। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है मैं दे देता हूं, तो बंदर का रूप दे दिया उनको, और पता नहीं चल रहा कि मैं बंदर बन गया। मुझे हरी वहां पर आके सामने बैठ गए। अब वो विश्व सुंदरी आई, वो जहां नारद बैठे हुए हैं उसे लाइन में नहीं आए, और उसके पीछे शिव जी के दो गण बैठे, शिव जी के दो गण बैठे, वो हंसने लगे। ये देखा कि कौन पहले जाके अपना सकल पानी में तो जाके देखो नारद जी। अच्छा इसी बीच में क्या हुआ, भगवान विष्णु आ गए। भगवान विष्णु आकर के जब बैठे तो वो विश्व सुंदर उनको दे दिया। अब गुस्सा आया, आकर के देखा सचमुच बंदर का रूप है। अब दोनों के ऊपर गुस्सा गया, एक है वो जो गण है ना दो गण उनके ऊपर गुस्सा गया कि तुम शिव जी के गण होकर के तुम्हारे अंदर कोई शिव जैसा करुणा भाव नहीं है, राक्षस भाव है, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ। वही रावण और कुंभकर्ण बने, अभी समझ में आया। और भगवान इधर हेलीकॉप्टर में लैंड किया,
जहां वो नदी में देखा, इधर जो अभिशाप दिया था, फिर तो भगवान को इतना गुस्सा गया, भगवान कहा कि मैं शादी करने के लिए चाहता था और मगर आपने मुझे, मैंने एक दिन मांगा, मैंने आपने आपके लिए क्या नहीं किया, सब आपका ही मैं प्रचार करता हूं, मगर एक दिन के लिए भी आपने मेरा आपका रूप ना देखे, बंदर का मुझे दिया और मैं पत्नी विरह में हूं, इसलिए आप भी पत्नी विरह में रहोगे, जिस बंदर का रूप मुझे दिया यही बंदर ही आपको मदद करेंगे। भगवान कहे तो हो गया ना, भगवान कहे जो खोल दिया ना, विश्व सुंदरी है ना कोई है ना अर्जुन का, ये तो सब माया। तो भगवान वो तो माफी मांगने लगा, रोने लगे, तो नहीं ये तो अभी होने वाला है, चिंता मत कीजिए। इससे क्या है, ये करने से दो चीजें, एक है कभी साधक के रूप में सोचना नहीं चाहिए कि हमने काम को विजय कर लिया। नारद जैसे व्यक्ति काम को विजय किया नहीं सोच सकते। दूसरा है भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा, ये भावना रखना। तो नारद के अभिशाप के कारण दोनों को अभिशाप मिला, भगवान को भी मिला कि आप ब्राह्मण बनो और आप पत्नी भी रह, तब भगवान आए तो भगवान राम के हो गया। अब ये जय विजय, एक बार सनत कुमार, सनत सनंदन चार है, वो भगवान विष्णु को मिलने के लिए द्वापर में जा रहे थे, जय विजय जो खड़े थे उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया, तीन बार मना किया, जब तीन बार मना किया उन्होंने अभिशाप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, तुमने तीन बार मना किया इसलिए तीन बार राक्षस बना। वो ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं, वो ही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, और वो ही शिशुपाल और दंतवक्त्र द्वापर युग में बनते हैं। तो भगवान विष्णु देखा कि जब अभिशाप हुआ, कंपन हुआ, शब्द हुआ, आवाज हुई, बाहर आ गए, देखा कि सनत कुमार परम भक्त है, पता चल गया जय विजय, कंपन हो रहे, डर रहे, थर रहे, अभी राक्षस बन जाएंगे। तब कहा कि मेरे भक्त के जो वर है वो तो स्वीकार हम करते हैं, तीन बार आपने जो अभिशाप दिया इन लोगों को रक्षा करने के लिए मैं चार बार बता देता हूं मैं, अर्थात भगवान अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं उसके लिए भी भगवान को आना पड़ता है, ये कथा है। और दूसरी कथा है जय विजय, भगवान के पास रहते हैं, वैकुंठ है उसमें भी उनको आना, ना परमिशन ना देना, नो यस ये कहना। तो सनत कुमार ने अभिशाप दिया, विकुंठा कुंठा भाव तुम्हारे अंदर है, कुंठा माने सिंकुर है छोटा, इसलिए राक्षस बन जाओ। तो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान वराह अवतार हुए, हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए भगवान नृसिंह अवतार हुए, और रावण और कुंभकर्ण को वध करने के लिए भगवान राम, क्यों कथा दिया है भगवान ने जय विजय की कथा सनत कुमार, और वही शिशुपाल और दंत भक्त बनते हैं, फिर भगवान कृष्ण बन करके आते हैं। तीन कथा हो गई, प्रताप भानु की कथा बहुत लंबी है, प्रताप भानु ब्राह्मण लोग उनको अभिशाप दे देते हैं कथा में कि तुम राक्षस बन जाओ, तो प्रताप भानु में रावण रब बनता है, उसके जो भाई है वो कुंभकर्ण बनता है, और उसका जो मंत्री है वो विभीषण बनता है, उसी को रक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। वृंदावती में यही कहानी कि भगवान ने विष्णु ने जलंधर का रूप बन करके वृंदावती का सतीत्व हरण किया था, तब कहा कि मैं जैसे अपने पति के विरह में मर रही हूं, आप भी अपने पत्नी के विरह में दुखी होंगे, तब भगवान आए। तो भगवान का अवतार के कारण हम लोगों ने देखा, अब भगवान जन्म तो हम लोग उस दिन देखेंगे, कल से हम देखेंगे भगवान की बाल लीला, भगवान जब जन्म हो जाते हैं फिर कौशल्या अयोध्या कितने खुश होते हैं, दशरथ नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद भगवान की छोटे छोटे बाल लीलाएं हैं,
वो हम लोग कल एंड परसों करेंगे। आज समय हो गया, अब हम आरती करेंगे। आरती करो। सब लोग आगे रेडी। आरती श्री आरती श्री रामायण गावत संत संतो भवानी अरुहत संभव मुनि विद्यानि व्यास आदि कवि वर्ज बखानि काक भूषण गरुड़ के आरति श्री आ रहे हैं।